दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 20 अगस्त 2021 और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों के बारे में, जहां पर एक तरफ क्रिकेट का महासंग्राम यानी वीवो आईपीएल 2021 के रिगार्डिंग आज की तारीख में आप सभी आईपीएल फैंस के लिए बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से 2-3 बड़े बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। वही दूसरी तरफ भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच से पहले बहुत ही बड़ी खबर यहां पर भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए निकल कर आ रही है, और उसके अलावा भी यहां पर क्रिकेट से जुड़ी हुई काफी सारी बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, और इस वीडियो में हम इन सभी खबरों के बारे में वन बाई वन पूरी तरह से विस्तार से खुलकर बातचीत करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज को लेकर, जहां पर भाई आप सभी को पता है कि 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के 2 टेस्ट मुकाबले ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं। पहला टेस्ट मैच बारिश के चलते ड्रॉ हो गया था, दूसरे टेस्ट मैच में बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर टीम इंडिया ने रोमांचक जीत दर्ज की थी, और इस टेस्ट सीरीज में फिलहाल टीम इंडिया ने 1-0 से शानदार लीड हासिल कर रखी। सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच हमें 25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच लीड्स के मैदान पर देखने को मिलने वाला है। लेकिन भाई इस मैच की शुरुआत से पहले, इस मैच के रिगार्डिंग आज की तारीख में 2 बहुत ही बड़े अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं दोनों ही अपडेट्स की। तो पहला अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है इंग्लैंड टीम को लेकर। जी आप सभी को पता है कि भाई कल यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड टीम के कप्तान जोए रूट आए थे, जहां पर भाई उन्होंने ऐसा कंफर्म किया था कि भाई डेविड मलान को यहां पर टीम में शामिल किया गया है। जैक क्रोली और डोम सिबले दोनों खिलाड़ियों को यहां पर स्क्वाड से पूरी तरह से रूल्ड आउट कर दिया गया, और भाई साथ ही साथ उन्होंने यहां पर यह भी कंफर्म कर दिया कि भाई डेविड मलान को यहां पर डेफिनेटली भारत के खिलाफ खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच में प्लेइंग 11 में जगह मिलने वाली है। उसके अलावा भी यहां पर भाई जोए रूट ने ऐसा कहा कि 2-3 बदलाव हमें यहां पर इंग्लैंड टीम के स्क्वाड्स में दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो यह अपडेट निकल कर आ रहा है भारतीय टीम को लेकर। जी हां, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी यहां पर हिंट्स दिए कि भाई तीसरे टेस्ट मैच में हमें भारत की प्लेइंग 11 में डेफिनेटली कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आप सभी को पता है कि पहले ही सोर्सेज के हवाले से ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही कि भाई सूर्य कुमार यादव को यहां पर तीसरे टेस्ट मैच में भारत के लिए डेब्यू करने का मौका मिल सकता है। लेकिन उसके अलावा यहां पर बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी हमें बदलाव देखने को मिल सकता है। रविचंद्रन अश्विन को यहां पर प्लेइंग 11 में आजमाया जा सकता है, ऐसी यहां पर रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है। तो दोस्तों ये 2 बड़े अपडेट्स भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले तीसरे टेस्ट मैच से पहले निकल कर आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर निकल कर आ रही है क्रिकेट का महासंग्राम यानी वीवो आईपीएल 2021 के फेज 2 को लेकर। जी आप सभी को बताया कि बीसीसीआई ने पूरा का पूरा कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली जारी कर दिया है। भाई 19 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच यह शानदार टूर्नामेंट हमें यूएई में देखने को मिलने वाला है। यूएई के दुबई, अबू धाबी और शारजा तीनों स्टेडियम्स में हमें आईपीएल के बचे हुए मैच देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन भाई आज 20 अगस्त को यहां पर मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अभी से कुछ दिन पहले बीसीसीआई ने एक नोटिस सभी फ्रेंचाइजियों के पास जारी किया था कि भाई आप सभी फ्रेंचाइजियों को 20 अगस्त से पहले अपनी टीमों के सभी फाइनल स्कोर्स यहां पर अनाउंस करने होंगे। वैसे में यहां पर भाई रिपोर्ट्स ऐसी है कि भाई आज यहां पर कुछ टीमों की जो फाइनल स्कोर्स लिस्ट है वो जारी हो सकती है, लेकिन भाई 1-2 टीम यहां पर अभी भी डाउट में नजर आ रही है, जिसके चलते भाई इस डेडलाइन डेट को यहां पर थोड़ा सा और एक्सपेंड किया जा सकता है, और भाई यहां पर 2-4 दिन की और मोहलत यहां पर जो फ्रेंचाइजी वो मांग सकती है। आप सभी को बताया कि भाई लगभग टीमों ने यहां पर अब आईपीएल 2021 में पार्टिसिपेट करने के लिए यूएई जाना शुरू कर दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो यह खबर भी आईपीएल 2021 के रिगार्डिंग है, और यह खबर है कोहली की टोली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को लेकर। जी हां, आईपीएल 2021 के सेकंड फेज की शुरुआत से पहले विराट कोहली की टीम के फैंस के लिए बहुत ही बुरी खबर यहां पर निकल कर आ रही है, क्योंकि भाई आईपीएल 2021 के फेज 2 के रिगार्डिंग जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की मैनेजमेंट ने केन रिचर्डसन और भाई यहां पर एडम जैम्पा इन दोनों खिलाड़ी से कॉन्टेक्ट किया, तो भाई अभी तक इन दोनों खिलाड़ियों ने यहां पर किसी भी टाइप का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है। अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई आईपीएल 2021 के फेज 2 में पार्टिसिपेट करेंगे या फिर नहीं, उन्होंने अपना फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, जिसके चलते भाई आरसीबी की टीम यहां पर थोड़ी सी मुसीबत में जरूर नजर आ रही है। लेकिन भाई सोर्सेज के हवाले से ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि भाई इन दोनों ही खिलाड़ियों
पर आज हमें फाइनल डिसीजन देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर भी आईपीएल 2021 के रिगार्डिंग और यह खबर है दिल्ली कैपिटल्स की टीम को लेकर। जी हां, आने वाले एक दो दिन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम आईपीएल 2021 में पार्टिसिपेट करने के लिए यूएई पहुंच जाएगी। और भाई आप सभी को बताया कि आईपीएल 2021 के फेज वन में इस टीम के कप्तान सुरेश सैयद इंजर्ड थे, जिसके चलते भाई उनको पूरे टूर्नामेंट से रूल्ड आउट किया गया था। ऋषभ पंत को टीम का नया कप्तान बनाया गया था, लेकिन भाई अब यहां पर आईपीएल के फेज टू से पहले सुरेश सैयद अपने आप को पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं। जिसके बाद भाई आप सभी को बताया कि सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि भाई सेकंड फेज में कौन कैप्टनसी करेगा। तो भाई इसके ऊपर दिल्ली कैपिटल्स से भी सवाल पूछे गए। दिल्ली कैपिटल्स ने भी यही कहा कि अभी तक यहां पर अपनी टीम के स्कीपर को सेलेक्ट नहीं किया गया है, और जैसे ही यहां पर दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2021 के सेकंड फेज के लिए अपने कैप्टन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देती है, तो उसके बाद भाई अपडेट आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट इंडिया पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2021 को लेकर। जी हां, भारत की वन ऑफ द बेस्ट काफी रोमांचक डोमेस्टिक ये लीग, आप सभी को पता है कि हर साल काफी सारे खिलाड़ियों का हमें यहां पर जलवा देखने को मिलता है। उस जलवे को देखते हुए ऑक्शन में खिलाड़ियों की नीलामी लगती है, अच्छे खासे पैसे यहां पर खिलाड़ियों को मिलते हैं, तो भाई जिसके चलते ये टूर्नामेंट भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और बीसीसीआई ने यहां पर इस सीजन का पूरा कार्यक्रम भी जारी कर दिया। जी हां, बीसीसीआई ने ऐसा बता दिया कि भाई 27 अक्टूबर से इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी और 22 नवंबर को इस टूर्नामेंट का हमें फाइनल मैच देखने को मिलेगा। इस टूर्नामेंट के जस्ट बाद हमें आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शंस देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो यह खबर निकल कर आ रही है साल 2021 के सबसे बड़े टूर्नामेंट यानी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 को लेकर। जहां आप सभी को पता है कि यूएई और ओमान में यह शानदार टूर्नामेंट हमें 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच देखने को मिलने वाला है। काफी रोमांचक और शानदार यह टूर्नामेंट होने वाला है, लेकिन लाइव टेलीकास्टिंग के रिगार्डिंग कल हमें बड़ा अपडेट देखने को मिला, जहां पर भाई स्टार स्पोर्ट्स की तरफ से ऐसी रिपोर्ट निकल कर आ रही कि भाई भारत में स्टार स्पोर्ट्स ही आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 को टेलीकास्ट करने वाला है। आपको पता है टीवी चैनल्स पर स्टार स्पोर्ट्स की जो चैनल्स है वहां पर अलग अलग भाषाओं में लाइव टेलीकास्टिंग होने वाली है। मोबाइल पर आप हॉटस्टार ऐप पर इसकी लाइव टेलीकास्टिंग देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये आज 20 अगस्त 2021 की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें। इन सभी खबरों के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।